दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वार्किटेक न्यूज़। स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A9 2018 के प्रॉब्लम्स। ऐसे कौन से मसले हैं इस फ़ोन में जिसकी वजह से आपको ये फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, इस फ़ोन से दूर रहना चाहिए और आवाम को सिर्फ पागल बना रहे हैं चार कैमरे के साथ। अब मैं बात करूँ सबसे पहले प्रॉब्लम की, तो वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पर आपको जो प्राइसिंग मिलती है वो मिलती है इंडिया में 37,000 और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70,000। इतना महंगा ये फ़ोन आता है और जो इसका प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 660, वही प्रोसेसर जो इसके हाफ से भी ज़्यादा कम फ़ोन में लगा हुआ है, जैसे कि शाओमी का मी 8, नोकिया 7 प्लस। तो इतने सस्ते फ़ोनों में ये लगा हुआ है, तो इतने महंगे फ़ोन में सैमसंग ने इसको क्यों डाला। मतलब इस फोन में कम से कम स्नैपड्रैगन का 845 लगाना चाहिए था इनको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब स्नैपड्रैगन का 845 आपको जो है वो पोको F1 में मिल जाता है, जो कि इससे भी 21,000 तक में इंडिया में मिलता है और पाकिस्तान में 42,000 तक है। और अगर मैं बात करूँ हॉनर की, तो हवावे जो है अपना फ्लैगशिप का प्रोसेसर जो है वो हॉनर प्ले में देता है, जो कि एक मिड रेंज फ़ोन है, इससे तकरीबन आधी प्राइसिंग पे। तो आप ये फ़ोन क्यों लो, मतलब इतना अंडर पावर यार, हद होती है सैमसंग। या तो इस मोबाइल का जो प्राइसिंग थी 25,000 तक कर देते इंडिया में, ताकि कहीं तो आपकी बचत होती। इतना महंगा फ़ोन और वो फ़ोन अगर आपके गेमिंग में लैग करे, तो स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर कहीं से भी इतना पावरफुल नहीं है कि आप अगर सही के गेमर हो तो आपका मोबाइल हैंग करेगा लाजमी, और ऊपर से सैमसंग का UI जो है उसको और ज़्यादा स्लो बना देगा। अब मैं बात करूँ अगर दूसरे प्रॉब्लम की, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है इसकी स्क्रीन को लेकर। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन दी गई है वो सुपर एमोलेड है, लेकिन जो प्रोटेक्शन है वो है ही नहीं। मतलब आपको कोई भी गोरिल्ला ग्लास इस फ़ोन में नहीं मिलता। अब सैमसंग ने क्या किया है, क्यों किया है नहीं पता, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी कोई भी जो है आपको ये नहीं दिखेगा इसके अंदर कोई गोरिल्ला ग्लास इम्प्लीमेंट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस फ़ोन में। आपके जो प्रोटेक्शन है, आप अलग से गिलास लगाओ, उसके बाद भी बड़ी संभाल के रखो मोबाइल, क्योंकि अगर ये मोबाइल घिरा तो आपके पैसे। मतलब स्क्रीन बहुत महंगी होती है, सैमसंग की जो सुपर एमोलेड स्क्रीन है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और नया सेट है तो आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर आप कम सेट घिरा तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है आपका। तो अगर ले रहे हो वैसे तो लो ही नहीं, लेकिन अगर ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है स्क्रीन का। अब मैं बात करूँ तीसरे प्रॉब्लम की, तो यहाँ पर आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग इस फोन में नहीं मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। मतलब इस प्राइस में आपको वन प्लस 60 मिल जाएगा जिसमें वायरलेस चार्जिंग हर चीज़ मिलती है। अब आप बोलोगे आप किस ब्रांड से किस ब्रांड को कंपेयर, ब्रांड ब्रांड कुछ नहीं होता, ये पागल बनाते हैं सिर्फ। मतलब सैमसंग है तो वो तो महंगा रखेगा, भाई कहीं लिखा हुआ है ऐसा, कहाँ किस बुक में लिखा हुआ है कि सैमसंग है तो महंगा रखेगा। तो ये सब कहने की बातें, ब्रांड है ये है, कोई ब्रांड नहीं है, मैं नहीं मानता। मतलब शाओमी के इतने अच्छे अच्छे फ़ोन है, और ओप्पो के इतने अच्छे, रियलमी के इतने अच्छे अच्छे फ़ोन आए हुए हैं, हत्या के नोकिया के इतने अच्छे अच्छे फ़ोन आए हुए हैं, तो हम सैमसंग क्यों लें। तो कोई वजह नहीं है इस फ़ोन को लेने, क्योंकि चार कैमरा भी इसके बेकार हैं, बिल्कुल यूजलेस हैं। आपको ब्लरी फोटो मिलेगी, जूमिंग ज़्यादा हो जाती है, अजीब भी कैमरा है। अगर इसके भले से क्या पता कैमरे जो हैं अपडेट में सही भी हो जाए, लेकिन बिल्कुल बेकार कचरा फ़ोन है। मतलब ना प्रोसेसर अच्छा है, ना कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है, ना वायरलेस चार्जिंग है, और प्राइसिंग के लिहाज से बिल्कुल बेकार है। अगर 25,000 का ये फ़ोन होता तो मैं आपको लेता कहने को। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।